नमस्कार दोस्तों दोस्तों दिल्ली एनसीआर से एक व्यूअर ने अपने घर का प्लान भेजा है। जानना चाहे कि इसका वास्तु कैसा है। दिशाएं ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। ये दीवारें सीधी हैं, ये मतलब प्लाट सीधा है, रेक्टेंगुलर है। ये फोटो खींचने में लाइन डालने में उनसे सा हुआ है, उनसे इस बारे में चर्चा भी हुई। बोले नहीं सर, बिल्कुल सीधा है, ठीक है कि नहीं। और प्लाट है 117 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा, पूर्वमुखी प्लाट है ये। ये उनने प्लानिंग करी है, बनाया नहीं, प्लानिंग की है कि इस पर हम ऐसा बनाना चाहते हैं। उनकी एक दुकान है ऑलरेडी कपड़े की, तो एक दुकान भी डालना चाहते हैं यहाँ पर। ये गाँव में है, मतलब दिल्ली के पास, और दिल्ली में द्वारका में उनकी एक दुकान है ऑलरेडी कपड़े की। तो ये चाहते हैं कि एक दुकान घर में भी रख लेंगे, थोड़ा सामान तो अच्छा रहेगा। ठीक, तो ये हो गया। नंबर भी लिखे हुए उन्होंने, जानकारी दी है शॉप, ठीक है ना। ये शॉप हो गई यहाँ पर, और ये दो नंबर पर टॉयलेट, इससे अटैच टॉयलेट है ये। वरांडा, ये वरांडा है, तो ये गार्डन तीन जगह रखी है। ठीक, तो अपन अब एक एक करके देखते हैं। यहीं से शुरुआत कर देते हैं कि इंट्री तो बिल्कुल सही रखी इन्होंने। अब क्या हुआ, कंपाउंड वॉल के साथ मिलाकर इन्होंने जो है ये दुकान बनाई है। वापस इधर ओपन हो गया, ये बिल्डिंग अलग हो गई। अब इस केस में हम इसे कहेंगे कि ये जो है ये ढक्कन हो गया, अग्नेयकोण का ढक्कन। अब अग्नेयकोण का जो ढक्कन होता है ये बहुत अशुभ होता है। ऐसे घरों में कभी भी अनहोनी हो सकती है, अकाल मृत्यु के योग बनते हैं ऐसे घर में। मतलब जिसके घर में ऐसी कंपाउंड वाल, साइज कुछ भी हो, एक कंपाउंड वाल है, घर बना हुआ है, पर एक मात्र इस कोने पर पार्किंग के लिए आपने गैराज बना दिया, ब्यूटी पार्लर की दुकान बना दी, जैसे इनने दुकान, कोई भी कारण से आपने शेड बना दिया यहाँ पर, इस कोने से बोलेंगे अग्नेयकोण का ढक्कन। यहाँ होगा तो ईशान कोण का ढक्कन कहलाएगा, यहाँ होगा तो वायव्यकोण का ढक्कन कहलाएगा, यहाँ होगा तो नेत्रकोण का ढक्कन। तो ये हो गया अग्नेयकोण का ढक्कन। अब ये अनहोनी का, अकाल मृत्यु का कारण बनता है, बहुत गलत है ये। एक फिर आप आइए घर यहाँ पर। अब इनने ये शो नहीं किया कि ये कितना ऊँचा बनाएंगे, यहाँ इनने 3-4 फीट सीढ़ी दी है तो ये घर बन गया इनका। पहली बात तो यहाँ गलत हो गया। फिर टॉयलेट लगभग मध्य में आ रहा है, ये मध्य का हिस्सा हो गया, मध्य में गड्ढा बन गया, तो सर्वनाश पैसे का बहुत, मतलब सर्वनाश पैसे का बहुत नुकसान होता है, पैसा बहुत ड्रेन होता है। वरांडा ठीक है, अब इसको अपन भूल जाए, यानी इस दोष को दूर कर ले, तो फिर ये फिर ठीक है। फिर मकान ने क्या करा, पूरा पूरा खाली रख दिया और ये इन्होंने पश्चिम में मकान बना लिया, तो ये ठीक है इनका। और उन्होंने मेरे से फ़ोन पर जब बात हुई तो उन्होंने नया प्लान भी बना के भेज दिया है, जिससे उन्होंने ये हटा दिया है पूरा। सिर्फ जब प्लानिंग ही चेंज कर ली उन्होंने, सिर्फ इतने ही मकान रखा है लगभग, ठीक है ना। अब आइए देखते हैं कि ये बरामदा ठीक है, और ये यहाँ 4 नंबर इनका किचन है। अच्छा एक बात हो रही है, अब किचन यहाँ पर ये बना हुआ है तो यहाँ से घर स्टार्ट हुआ तो दक्षिण का किचन हो गया। यदि ये नहीं है और ये पूरा गार्डन है, ओपन स्पेस है, तभी अग्नेयकोण का किचन कहलाएगा। तो अब घर यहाँ से स्टार्ट होगा आपका। इस केस में घर यहाँ से स्टार्ट हुआ तो अब हो गया ये अग्नेयकोण का, ये दक्षिण का किचन है ना, साउथ का किचन। इसके कारण दक्षिण में किचन होने पर पूरे घर में मानसिक अशांति रहती है, घर के मुखिया गुस्सा ज़्यादा आता है, उसका स्वास्थ्य नरम गरम रहता है। इधर आगे आइए, ये दरवाज़ा ठीक है, ये दरवाज़ा भी ठीक है। अब ये 6 नंबर इन्होंने दिया ओपन टू स्काई, दे सकते हैं यहाँ पर ये दक्षिण में आ रहा है, इसलिए इनको चाहिए इसका फ्लोर लेवल घर के फ्लोर लेवल के बराबर रखें। ये बेडरूम है, इसका दरवाज़ा यहाँ दिया ईशान कोण में, पूर्व ईशान में अच्छा है। और ये ड्रेसिंग है, ये टॉयलेट है 10, ये टॉयलेट इसकी कनेक्टिविटी बाहर से दी है, इसके अंदर से दी है, और ये यहाँ पर इन्होंने स्टोर दिया है, ये स्टोर है 11 नंबर स्टोर है। तो ये शेप बना ऐसे होके ऐसे, तो अब इस शेप में क्या हुआ, ईशान कोण कट गया ये, तो इसका टॉयलेट ये रहा तो ये ईशान कोण कट गया और अग्नेय बढ़ गया। अब ईशान कट गया जो, अब यहाँ इस कमरे में जो सोएगा, यानी मास्टर बेडरूम हो गया घर के मुखिया की, मतलब यानी कि जो चीज़ ज़िंदगी मानी तरक्की आनी चाहिए वो नहीं आती। यदि बच्चे की चाह हो तो बच्चा होने में दिक्कत आती है, कंसीव करने में दिक्कत आती है, होने के बाद उस बच्चों को भी दिक्कत आती रहती है। ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण वास्तु दोष है, कोई ईशान कोण कट रहा है पूर्व के साथ मिलकर, ठीक है, तो ये बहुत बड़ी गलती है। ये इनने पैसेज रखा है, ये रखा है 13 OTS ओपन टू स्काई है, ताकि इधर रोशनी आती रहे, चलेगा। और 14 नंबर लॉबी, 14 नंबर, हाँ ये लॉबी है,
डाइनिंग रूम लॉबी जो भी कह लो। अब यहाँ एक और बात है, ये किचन गार्डन है, सॉरी किचन गार्डन ये लेवल आ गया, अब घर बीच में ऊंचा है। इस केस में अब ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये हम बोलेंगे पश्चिम का गड्ढा। यदि यहाँ से ओपन होके पूरा पैसेज बना होता तो दिक्कत नहीं थी, तो पश्चिम का गड्ढा नहीं होता, या पश्चिम में निचाई आ गई। तो ये महत्वपूर्ण वास्तुदोष है। अब इस घर में बनावट में ऐसे घरों में मतलब लगा कि ईशान भी नैऋत्य कोण मतलब साउथ वेस्ट भी डाउन हो गया, वेस्ट भी डाउन हो गया और वायव्य कोण विवाद कर तरह तरह की समस्याओं का कारण बनता है। और अपनी समस्याओं के निदान के लिए ऐसे लोग धर्म का सहारा लेते हैं, पूजा पाठ का सहारा लेते हैं, ये गलत। इसे केस में इनको चाहिए कि ये डाउन रहे तो बहुत शुभ है, और ये जो है इसका फ्लोर लेवल घर के फ्लोर लेवल के यहाँ इतनी मिट्टी डाल दें कि घर के फ्लोर लेवल के बराबर कर दें, और इसका पानी आना तो ईंटें लगा दें यहाँ पर कुछ मतलब कुछ लगा दें ऐसे, ये इनको करना ज़रूरी है। तो उन्होंने जो प्लान किया उसमें ये हटा दिया इन्होंने, उनको ये भी ध्यान देना होगा, ये हट जाता तो इसका वास्तु ठीक हो जाएगा, ये सब दोष दूर करना पड़ेंगे इनको, ये सब दोष है ना। तो इस तरीके से और मेरे ख्याल से ठीक है, यही है दोष, पर बहुत महत्वपूर्ण दोष, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण वास्तु दोष है। ये भी गलत है, ये भी गलत है किचन। अब इस स्थिति में ये बना हुआ तो किचन भी गलत जगह हो गया, ठीक है ना। अभी नए प्लान में उन्होंने ये नहीं बनाया तो किचन सही जगह हो गया, उनने कुछ चेंज तो किया, ठीक कर लिया उन्होंने। और मुझे उम्मीद है कि आपको भी वीडियो पसंद आया होगा। नमस्कार।